देश में बढ़ती महंगाई, पानी की किल्लत तथा बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से रामनगर चौक स्थित हनुमान मंदिर में केंद्र सरकार को अच्छी बुद्धि मिले, इस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पठन एवं पूजन अर्चना की। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरेन की एक ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल आदि की बढ़ती कीमतों को लेकर श्री हनुमान जी केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और महंगाई कम कर देश के लोगों को राहत दे, इस बात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पश्चिम नागपुर के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जय श्री राम और जय हनुमान का जयकारा किया गया, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा था। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रशांत पवार, इन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षातर्फे हनुमान चालीसाचं पठण आम्ही जे करून राहिलो आहे ते देशामध्ये जी महामारी फैललेली आहे, जे देशाच्या जनतेचं महागाई म्हणा, बेरोजगारी म्हणा, आर्थिक संकट म्हणा, कोरोनाचं संकट म्हणा, याच्यापासून देशाला लवकरात लवकर मुक्ती मिळावी म्हणून आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे हे आम्ही पठण इथे करतो आहे। देश में जैसे जैसे लोकसंख्या बढ़ रही है, ठीक वैसे महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस ओर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है, यही समय की मांग है। रामनगर से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।